हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है कच्चा आम। कच्चे आम को यहाँ मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे पीलर से इसे अच्छे तरीके से छील लेंगे, जिससे इसका सारा छिलका निकल जाएगा और आम का कड़वाहट ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से छील लिया है और अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे इसका पल्प का भाग काट लिया है और गुठली को अलग कर लेंगे और इसे बीच में से हम फिर से कट कर लेंगे। और इस तरीके से हम आम के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और बाकी बचे आम को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक या महीन काट लेंगे। यहाँ हम एक ही रेसिपी में दो तरीके से कटे हुए आम का यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने दोनों आम को अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, यहाँ मैंने छोटे वाले कप का यूज़ किया है। और अब हम इसमें कटे हुए आम डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। और अब हम इसका ढक्कन लगा करके इसके पल्प को अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं, पल्प हमारा अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे और ग्राइंड किए हुए कच्चे आम के पल्प को बर्तन में डालेंगे। और अब हम इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन ले लिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा जीरा का फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका थिक या गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू पानी डाल के चलाते रहेंगे, जिससे इसमें लम्स ना बनेंगे। और ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से बन गया है। और अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और बैटर को इस तरीके से बना के साइड में रखेंगे। और अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें भी 3 से 4 बड़े चम्मच हम बेसन डालेंगे। आपके पास जैसा भी बेसन अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें तीखे के लिए 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा या थिक बैटर बना लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। विस्कर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर में लम्स नहीं रहेंगे और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया है या फेंट लिया है और बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा ये लिक्विडी हो गया था, इसलिए इसमें 1 चम्मच और बेसन डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे 1 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे हम ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, जिससे हमारा रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच गाढ़े वाले बेसन या थिक बेसन का घोल डालेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे थोड़े थोड़े करके अलग अलग करके दिया है। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इन छोटे छोटे पकौड़े या बरिया को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे या सिक जाने देंगे। हमें इसे तब तक सिकना है जब तक दोनों तरफ से इसका कलर अच्छा सा ना आ जाए। और ये देखिए, इसका गोल्डन या सुनहरा कलर आ गया है। हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी उलटते पलटते हुए इजीली बना सकते हैं। और ये 1 से 1.5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और ये देखिए, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम बाकी बचे हुए बैटर का भी पकोड़े ये बढ़िया बना करके फ्राई करके निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं, कढ़ाई में 1 चम्मच बचा हुआ तेल है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे
और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे भी ऑयल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। और दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से मैंगो कड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप कड़ी पत्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें। और 2 से 3 बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी तड़के को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे या भून लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए आम डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें मैंगो पल्प और बेसन का बनाया हुआ बैटर डालेंगे। और ये देखिए, बैटर को डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 गिलास और पानी डालेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे बेसन तले में चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं, और कढ़ी हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। इस तरीके से मैंगो कढ़ी बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और अब हम इसमें आधा चम्मच और हल्दी डालेंगे, जिससे मैंगो कढ़ी का कलर और अच्छा आएगा। और हल्दी डालकर हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, कढ़ी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और कढ़ी हमारा अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। इस टाइम पे हम इसे फिर से चलाते हुए और 1 से 2 मिनट पका लेंगे, जिससे कढ़ी हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, कढ़ी हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया और इसमें उबाल भी आ रहा है। इस तरीके से कच्चे आम की कढ़ी बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं, कढ़ी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी डाल करके हाई फ्लेम पे हम इसमें एक उबाल आने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े या वड़िया डालेंगे और इसे भी कढ़ी में अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे कढ़ी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं, कढ़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और कढ़ी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से अगर आप मैंगो कढ़ी बनाएंगे तो दही वाली कढ़ी बनाना भूल जाएंगे। रोज के दाल से बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। और चलिए, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। आप इसे चपाती, चावल किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।